उसमें एक FIR 204 नंबर दर्ज हुई है, जिसमें कि डिफरेंट वीडियो फुटेजेस और अदर एविडेंस कलेक्ट करके ये टोटल अभी हमारे पास 40 फुटेज हैं, जो कि पब्लिक ने भी हमको दिए, मीडिया हाउसेस से हमको मिले हैं। हमने सबसे आह्वान किया था कि हमको वो वीडियोस दें, तो उससे हमने कुछ ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने उस दिन पत्थर फेंके या जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। उस बेसिस पे 5 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है। आज कुछ सालों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया, उनको रिलीज करने की डिमांड की गई, फर्दर वार्निंग दी गई है सैम्पलिंग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, तो किस तरह से पुलिस की तैयारी है, सरकार की किया जाएगा, तो बातचीत किसान संगठनों से हुई? अभी तो बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो इस सब में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो ऑन ग्राउंड ऑफ एविडेंस है या जिनके खिलाफ सबूत हैं, साथ ही हमने पुलिस फोर्स को ये भी बोला है कि अपना संयमित व्यवहार रखें लोगों से, हम्बली पेश आएं, उनसे अच्छे से बात करें, किसी को भी अननेसेसरी परेशान नहीं करना है, अननेसेसरी किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो भी कानून व्यवस्था तोड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो इस घटना में कितने लोग इन्वॉल्व हैं और क्या क्या धाराएं लगाई गई सर? इसमें टोटल 90 से 100 लोग थे जिनका FIR में नाम है। इसमें से कई ऑन द बेसिस ऑफ वीडियो फुटेज या आई विटनेसेस के बेसिस पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और इसमें डिफरेंट सेक्शंस लगे हुए हैं, 307, 147, 148, 149, 341, 323, 332, 353, 186, 427 और 124A। किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि 17 जुलाई को आपके ऑफिस का घेराव किया जाएगा और आज रात से ही ठीकरी पहरा दी जाएगा ताकि किसी किसान की गिरफ्तारी फिर से पुलिस न कर पाए, तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, हम लोग उनसे बात भी करेंगे, और जो कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो हम सख्ती से उससे निपटेंगे भी। तो बिल्कुल, और हमारा अच्छा व्यवहार रहेगा हमेशा। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर जो भी बिगाड़ेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।